हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम दो जेपीजी इमेज है उसको हम कैसे पीडीएफ बना सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग को मालूम है कि जेपीजी टू पीडीएफ बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन वेबसाइट है, लेकिन ये आज के तारीख में सेफ नहीं है क्योंकि आपका डेटा किसी थर्ड पर्सन के पास जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा। अगर वो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो चलो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम गणेश है। वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखो मेरे पास दो इमेज है जेपीजी। देखो मैं आपको इसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। ये देखो जेपीजी इमेज है, और जेपीजी में आपके पास कौन सा भी डॉक्यूमेंट हो सकता है स्कैन किया हुआ, जिसको आपको पीडीएफ बनाना है। और ये बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है ये करने के लिए, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों को सिलेक्ट करना है। यही टेक्निक से आप दोनों को पीडीएफ बना के उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है माउस के ऊपर और लेफ्ट क्लिक करना है, प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपका जो भी प्रिंटर होगा आपको सिलेक्ट करके लेना है। तो जो भी प्रिंटर देखो ये वाला प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है, बाकी तो बहुत सारे प्रिंटर है तो आपको ध्यान रखना है कि यही वाला प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखो आपको देख लेना है। ये देखो मेरे पास दो ये स्कैन कॉपी है, आपके पास अलग भी हो सकती है। इसी तरह से आप आपकी फ़ोटो को भी ये कर सकते हैं, आप पीडीएफ बना सकते हैं। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। देखो आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे जाके लेटर ही रखो आप, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंटर के प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रिंटर के प्रॉपर्टीज में जाने के बाद देखो अगर इधर लैंडस्केप होगा तो आपको पोर्ट्रेट करके रखना है। पोर्ट्रेट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देखो आपको ये दोनों पेज दिखेंगे, और जैसे आप प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ये आपको पूछेगा कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ सेव करना है। देखो पीडीएफ में आ गया, तो अभी मैं इसको देता हूँ देखो अभी मैं इसको नाम देता हूँ। नाम देने के बाद इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो देखो सेव करने के बाद ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ये देखो आ गया, एक ही पीडीएफ में आ गया। तो इस तरह से आप आपके पास जितने भी इमेज या जेपीजी फाइल है उसको बिना किसी थर्ड पार्टी के यूज़ किए आप उसको बहुत आसानी से पीडीएफ बना सकते हैं। तो यही है आज के वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।